हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो हमारे जोरावर क्लासेस के प्यारे प्यारे बच्चों? बच्चों, जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे के क्लास में बताया था कि मंडे को क्या होगा, टेस्ट होगा, राइट? तो टुडे इज़ मंडे, ठीक है, 9/11/2020. सो आर यू रेडी गाइज? यस, टाइप द मैसेज यस और नो. जो नो वाले हैं वो क्लास को बाद में देख लें या फिर वो जस्ट प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये क्लास वैसे बेसिकली उन्हीं के लिए थी जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस में हैं, पढ़ रहे हैं और निरंतर रूप से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही हमारी क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे. और जो हमारे साथ बच्चे नए जुड़े हैं वो आज क्लास को देख सकते हैं, एक उनके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा ये. और जो बच्चे नए जुड़े हैं, यदि उनके पास ये नंबर नहीं है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना? व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, अंकित सर का नंबर है ये, ठीक है? तो आप उनको बोल देना कि सर हमको अपना नाम और पोस्ट लिख के कौन सी तैयारी कर रहे हैं. सर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन से बच्चे चाहिए जो कि सीरियस हो, ठीक है? फालतू बच्चे नहीं चाहिए बेटा. ग्रुप को बहुत छटाई वगैरह कर रहे हैं सर, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, सो वी आर रिमूविंग देम. ओके, सो नाउ गेट्स रेडी, डोंट बी वेस्ट टाइम. टाइम समाप्त खत्म सॉरी टाइम खराब ना करते हुए चलिए अपने टेस्ट पर आते हैं. सिंपल है, आपको जैसे ही मैं आपको प्रश्न दिखाने लगूंगा, सिंपल आपको आपको ए बी और जैसे भी आप क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, चलिए ऐसे भी नहीं, और शॉर्ट बताता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, वन का सी या वन का बी, ठीक है, कुछ भी आप, कोई भी एक. ऐसा नहीं है जैसे टू का ए, ठीक है, वन का डी, ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं. तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को, गेट रेडी. आप अपने पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठे ताकि आप लास्ट में अपना स्कोर मुझे बता सके, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है? 20 क्वेश्चंस हैं, 20 स्पेलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग पेपरों से इकट्ठी की हुई हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करेंगे कि उनको किसी किसी इनको हम इंग्लिश में बता देंगे ताकि वो लंबे टाइम तक आपको याद में रह सके. ठीक है बेटा, शुरू करते हैं. पहला प्रश्न, पहला और दूसरा दोनों एक साथ. जी, ये बताना है आपको कि कौन सी जो इस वर्तनी है वो गलत है, गलत वर्तनी पहचाननी है, ठीक है ना? बताइए जी. आप पहले दोनों के साथ एक साथ मत बनाओ ना, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इतनी कोई जल्दीबाजी हड़बड़ी कोई ऐसा कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, आराम से एक एक पढ़िए और गलत वर्तनी आपको बतानी है, सॉरी माफ कीजिएगा, सही वर्तनी पहचानी है, सही वर्तनी, ठीक है, सॉरी जो मैंने बोला माफ कीजिएगा, सही वर्तनी की पहचान करनी है आपको. ए बी सी डी मैंने बताया था आपको कि आप कैसे करेंगे, ए का ए या ए का बी, ठीक है, ऐसे आप कर दीजिए. चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक पे चलते हैं. तो इसकी जो सही स्पेलिंग है, देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, ठीक है, क्या है सी, क्रियान्वित. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं इसको, एग्जीक्यूटेड या इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, किसी काम को भी करने को, जो शुरुआत कर दी हमने, शुरुआत करने को बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर टू बताइए, ये तो बहुत आसान सा है, फूल झड़ी, ठीक है ना, फूल झड़ी, ठीक है, फूल झड़ी कोई शब्द नहीं होता, याद रखिएगा, जो फूल शब्द है वो कैसा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, तो यहां पर उसका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जी, आराम से पढ़िएगा और मैं पर पहले एक पढ़ो, इधर इधर ध्यान मत लगाओ अभी, पहले ये वाला पढ़ो फिर बाद में पढ़ेंगे. जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, सम सामयिक, सम समीक, साम सामयिक, सम सामयिक, बताइए. पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है बेटा ये क्वेश्चन. जी अभी रिसेंटली 2-3 परीक्षाओं को मैंने देखा है तो उसमें ये शब्द मुझे मिला है. करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. सम सामयिक याद रखना, सम
सामयिक, ऐसे रखना सम। ये समकालीन जो समझते हैं एक वर्ड समकालीन, उससे आप याद रखना, और ये उसी का ही एक दूसरा भाई है समकालीन। समकालीन समझते हैं आप, कंटेम्प्रेरी है ना, एक डांस की फॉर्म भी होती है। लिखो क्या इंग्लिश वालों के लिए, कंटेम लिखो या कंटेम्पो भी लिख सकते हैं, हो गया कंटेम्पोररी, क्लियर, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए उद्देश्य मात्र यह है कि आपको समझा सकें किसी भी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जी। बताइए, थोड़ा सा हो सकता है पहली बार आपने सुना हो जी, यूपीपीसीएस में पूछा गया था बेटा। सब क्वेश्चन तो कहीं भी घूम फिर के कहीं से भी आ सकता है, बट मैं ढूंढ के लाया इसको जी। ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 जी, पढ़े इसको ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जिसमें क्या है त्रुटि युक्त, मतलब समझते हैं आप, रॉन्ग रॉन्ग स्पेलिंग। बताइए किसमें है रॉन्ग स्पेलिंग, कौन सी है, ध्यान से देखिए फिर बताना। देखिए कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है जी। त्रुटिपूर्ण यानी कि आपको इसमें 3 ठीक हैं और एक गलत है, तो देखो ये भी ठीक है, मूंगफली बिल्कुल ठीक है, हार्दिक तो नाम आपने सुना ही होगा, ये भी ठीक है, और परोक्ष भी आपने सुना होगा, प्रत्यक्ष परोक्ष सुना होगा आपने, है ना, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। यहां देखिए स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो ये वाली है, देखिए इसको इसकी तरफ नजर नहीं गई, क्योंकि ये पूछी जा रही है, बहुत पेपरों पूछी जाती है, डीएसएसबी में आती है कभी कभी, केवीएस में आती है कभी, राजस्थान में आती है, ये पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पता है ना बच्चा कहाँ गलती करता है, तो एग्जामिनर को ही पता है कि तुरंत वहीं पे आके उसको पकड़ लेते हैं। ये जो है ये त्रुटिपूर्ण है, सही कैसी है बताएं आपको, ध्यान से देखिए, ये सही है, इसको आप लिख लीजिए आज ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जी। 45, 45, 45 और कोई नहीं, जल्दी से बताना है आपको कि 45 को इनमें से क्या बोलते हैं, बताइए कौन सा बोलते हैं इसमें से, ठीक है, 45 को, 45 स्पेलिंग बतानी है। देखिए कई सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, कई सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, 45, ठीक है ना, ये बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, ये नहीं आएगी, 45 या 45 नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है आपकी जो बोली है वो उससे थोड़ा प्रभावित हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे जो कजन है वो 19 को, ठीक है ना, ये जो 19 आपने सुना होगा, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो वो 19 को बोलते हैं गुन्नीस, ठीक है, वो ये इसका प्रभाव ये पड़ता है ना, वो बोली का प्रभाव पड़ जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है, 45। 7th को देखते हैं कौन सा ठीक है, ये कराया हुआ सवाल है, ए ठीक है इसका, ठीक है आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 8 ध्यान से पढ़िए, वही आ गया रॉन्ग स्पेलिंग, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि सही पहचान लो, संस्कृति ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, शीर्षक तो ठीक ही लिखा है, अब ये इन दोनों में गड़बड़ है, मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, वैमनस्यता और औषधि, यदि आपको इन दोनों में से कोई एक भी स्पेलिंग आती है तो आपका ठीक हो जाएगा, अगर ये नहीं आती है तो फिर तो आप लटक जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ये वाली है, औषधि की सही स्पेलिंग है ये औषधि, छोटी की मात्रा आती है, राइट, कौन सी आती है, छोटी, ठीक है आगे बढ़े। चलिए बेटा यस सर वगैरह करते रहिए और अपना स्कोर भी लिखते रहिए,
लास्ट में पूछूंगा स्कोर कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जी, कौन सी सही है, सही वर्तनी बताइए जी, कौन सा है बताइए, ए बी सी डी। अभी इसको नहीं देखना ठीक है ना, अभी इसको देखो तो कन्फ्यूज जाओगे, पहले ये देखो क्योंकि शब्द थोड़े से बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आराम से। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन, आत्मनुशासन, आत्मानुशासन या कोई नहीं, बताइए कौन सी सही है। आत्मनुशासन ठीक है, ठीक है, ये संधि विच्छेद इसकी अगर हम करें तो देखिए ये हो गया आत्मा और ये अनुशासन, समझ रहे आप मेरी बात, जब इसमें जोड़ देंगे ठीक है, जब इसमें जोड़ देंगे तो ये इसमें चला जाएंगे ठीक है ना, आ प्लस आ आ ही रहता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा राइट, तो ये इसमें साथ जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा आत्मानुशासन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 को देखिए, सहानुभूति, ऊ की मात्रा में थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा आपको, बताइए कौन सा ठीक है, ये दोनों ऊ की मात्रा, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ, ये दोनों ही छोटे, ये वाली ठीक है, एक छोटा ऊ सहानु और भूति तो भूति रहता है, कई जगह पे आपको ये भूति मिलेगा शब्द ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पेपरों में आए हुए सवाल है दोनों ही ठीक है। चलिए बताइए सही वर्तनी बताइए जी जल्दी से, 11th, इसको नहीं करेंगे पहले एक एक करेंगे ठीक है। देखो जल्दीबाजी में आप जो कर बच्चे कर रहे हैं दोनों का आंसर, इसमें कुछ बेटा आपको इनाम नहीं मिलेगा, बट आप क्या करेंगे ना, आप आंसर देख के सोचते हैं संतुष्ट हो जाते हैं, और उसके अलावा फिर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपसे वो मिस्टेक हमेशा बनी रहेगी जी। बताइए प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रश्न सानिक या कोई नहीं, तो इसका ये तो बिल्कुल इजी सही है ठीक है ना, प्रशासनिक सुना होगा आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा ठीक है ना। आगे बढ़े जी, इसमें बताइए स्पष्टोक्ति, स्पष्टोक्ति या स्पष्टोक्ति, ई बड़ाई की मात्रा है या छोटी की मात्रा है, और यहां पे तो स्पष्ट है फिर अक्ति है, बताइए 12वां क्या होगा जी। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि नया सवाल है, मतलब नया मतलब ही है, अक्सर मतलब थोड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल जी। इसका है 12th का भी ए है ठीक है ना, स्पष्टोक्ति का मतलब होता है साफ बातें करना ठीक है ना, साफ बातें करना, क्लियर बोलते हैं, क्लियर कट बातें करो राइट, एकदम मैं क्लियर बोलता हूँ, स्पष्टोक्ति बोलता हूँ, क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 13, हाँ जी ये तो बहुत आपसे बड़ा जुड़ा ही सवाल लाया हूँ मैं, राजस्थान में पूछा गया है ये ठीक है ना, ग्रेड 2 में, बताइए निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, बताइए जल्दी से, ये तो क्लियर बहुत जल्दी, देखिए देखिए ये देखिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया, इसीलिए हमने ना वही कोशिश करा कि लाइव सेशन ही लेते हैं, तो उसमें क्या है कॉम्पिटिशन का थोड़ा सा अच्छा लगता है देखकर, आपके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, प्रतिस्पर्धा लिख के दिखाना कोई बच्चा, प्रतिस्पर्धा, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, तीनों ही ठीक हैं उपरोक्त सभी ठीक है ना। ये हो गए फीमेल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल या फिर बोल देंगे जो मेल प्रिंसिपल होते हैं ठीक है ना, प्रधानाध्यापक तो आपको पता ही है, प्रधान अध्यापक ठीक है ना, HM को बोल सकते हैं ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, आई होप आपको आज के क्वेश्चनों में अच्छा लग रहा होगा करने में ठीक है, परीक्षाओं से लिए गए सारे सवाल। प्रश्न नंबर 14, 14 पढ़िए जी, मैं नहीं पढ़ूंगा बस आप अपने आप समझिए और उसको करिए, पहले 14 ही करेंगे बाद में 15 करेंगे
ज्यादा तेजी मत दिखाया करो, कई बच्चे बहुत तेजी से मतलब दोनों के आंसर देने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में उनके एक गलत हो जाता है या दोनों ही गलत हो जाते हैं। पहले एक पे फोकस रखिए, ठीक है ना। मैं वरना मैं अलग अलग स्लाइड पे भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा, मैंने कहा इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो एक ही पेज पे ही मैंने दोनों को लिखना सही समझा। बहुत बढ़िया, कई बच्चों का सही है। कार्यान्वयन, ठीक है ना, कार्यान्वयन, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसको, अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं, एग्जीक्यूशन किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने को ही बोलते हैं। अरे मिट जाओ। चलिए इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आधिकारिक, आधिकारिक, आधिकारिक या कोई नहीं, ये तो बहुत जनरल सा सवाल है, आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाता होगा जी। आधिकारिक, ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 जी, ये भी बहुत पेपरों में रिपीट होता है। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा कोई मुझे लिख के बताए कि इंग्लिश में कवित्री को क्या बोलते हैं। अच्छा आसान सा है, याद रखना। देखिए कैसे ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे कवि कवि मिल रहा होगा, ठीक है, तो याद रखना जो कवि शब्द आ रहा है वो मेल पोएट के लिए आएगा, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, आप क्लियर है, कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। जो कवि शब्द है, बस कवि को देखो, राइट, जो कवि शब्द है वो मेल पोएट है, क्या यहां पर है, नहीं है, राइट, नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, इसको हटा दो, ठीक है बेटा। तरीका समझिए ना आप, ठीक है, रटना नहीं है बेटा, रटने के लिए जोरावर क्लासेस में जगह ही नहीं है, आप कहीं और जाके भी पढ़ सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है कि वो कवित्री क्यों बना, राइट, क्लियर हुई बात, बता दी मैंने आपको, ये जो कवि है वो क्या है, मेल पोएट है, यहां पर भी कवि लिखा है, पहियानी लिखा है ना, तो इसलिए वो कवित्री हो गया, समझ आया मेरी बात, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और कोई नहीं, बताइए, ये तो इम्पोर्टेंट, ज्यादा सिंपल सा ही है, पेपर में आया हुआ है बट फिर भी जी। स्पिरिचुअल, ठीक है, सभी को होना चाहिए आध्यात्मिक, जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत नया और मतलब एक ऐसा प्रश्न जो कि अक्सर किताबों में और क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते ही करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए कौन सा शब्द सही है, सही है जी। पीके मूवी देखी आपने, पीके मूवी, उसमें नाम है किसी का, वही इसमें क्वेश्चन में ही पूछा है जी, है ना, मुझे याद है इसलिए मैं तुरंत पूछा। पीके मूवी में जो हीरोइन है अनुष्का शर्मा, है ना, उनका नाम जो है लास्ट में बताया था या शुरुआत में, तो याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है, सही सही नाम बताना है जी, सही नाम है जग जननी, राइट, या इसको हम जगत जननी ही बोलते हैं, एक साथ बोला जाता है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों आते हैं, ये गलत हो जाता है, जग जननी और जगत जननी, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, याद रखना, ऐसे होता है जगत जननी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बताते हैं, साप्ताहिक, सप्ताहिक, साप्ताहिक और कोई नहीं, जल्दी से बताइए। देखो मात्रा का ही सारा खेल है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पर है ही नहीं, ठीक है, मात्रा का ही खेल है बेटा, एग्जामिनर आपके साथ मात्रा के साथ ही खेलता है जी, पता है आप कहाँ गलती करोगे, वहीं पे आपको फंसा देता है। साप्ताहिक हो गया ए, ठीक है ना, क्या होता है इंग्लिश में साप्ताहिक, वीकली, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए
आज की क्लास का पहला टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, थोड़ा सेंटेंस में आया था सवाल तो मैंने एज इट इज ऐसे ही दे दिया आपको। किस वाक्य में वर्तनी गलत इस्तेमाल हुई है? ठीक है, यानी कि वाक्य पढ़िए, उसमें एक वर्तनी गलत इस्तेमाल हुई होगी, तो थोड़ा सा समय लीजिए और इसको करिए। माता पिता से आशीर्वाद। देखो, पढ़ने में तो ठीक है, आप स्पेलिंग स्पेलिंग को पहचाने, गलत स्पेलिंग कहां पर है? जल्दी से जी। बहुत बढ़िया, कई बच्चे सही कर रहे हैं, कई बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो, कई सारी स्पेलिंग होगी इसमें, मैं बताता हूं आपको। आशीर्वाद, ये अपराधी, ये मृत्युदंड, है ना, और द्वार, सन्यासी, रामायण, रचयिता, महर्षि, वाल्मीकि भी हो सकती है स्पेलिंग। ठीक है, आप बताइए, अब कौन सी आपको गलत है, कौन से सेंटेंस में गलत है? कुछ ही बच्चे आंसर कर पाए। आंसर सी, मैंने आपको सन्यासी की स्पेलिंग लिखवाई थी, आपको याद होगा। देखो, या जब भी तो बता रहा ना, पेपरों में रिपीट इस तरह से होती है, यहां पे आती है बिंदी, ठीक है, दो यहां पे बिंदी आती है सा के ऊपर, ठीक ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो था ये गलत है, इसलिए हमारा यही आंसर है। क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा ये था हमारा आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आज के आपको क्वेश्चन थोड़े अलग और थोड़े से सीखने वाले होंगे। आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो बेटा, इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी, तो जरूर क्लासेस में। बस आपसे अनुरोध है ना, आप जुड़े रहिए। जुड़े मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लास ली, 2 दिन क्लास ली, फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, ठीक है, 2 दिन क्लास ली, 2 दिन क्लास ली, फिर 1 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं बेटा। यहाँ पे गैप नहीं ना, क्योंकि जिस दिन भी आपने गैप कर दिया, राइट, जैसे जो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, आपने वेडनेसडे नहीं ली, तो समझ लो वहीं गड़बड़ हो जाएगी, आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, और जो मिस हो गई ना वो मिस रहती है, और पेपर में वहीं कहीं ना कहीं से वो सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए बेटा, बहुत जल्दी से आप मुझे अपना स्कोर कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए किसी के 15/20, 16/20, 18/20 और 20/20, ईमानदारी से भी, ठीक है, ईमानदारी से आपको अपने स्कोर बताना है, ठीक है ना, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, कि हमारे पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है, और आप चाहे वो हमसे पढ़ाए चाहे कहीं से पढ़ाए, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको मतलब वहाँ कौन से लेवल में आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। मैं एक दिन बता रहा, पानी में बहुत सारे लेवल होता है, अलग अलग मछली होती हैं, कुछ मछली इधर तक रहती हैं, कुछ ऊपर रहती हैं, राइट। तो आप कौन से लेवल में, आपको आज थोड़ा सा ये स्पेलिंग से पता लग गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।